दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल PRSU टीम पर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 16 अप्रैल से शुरू हो रही है। इससे पहले कोर्स पूर्ण कराने के निर्देश विश्वविद्यालय ने दे दिए हैं। विश्वविद्यालय ने 2 और 3 मार्च को हुए प्राचार्यों की बैठक का हवाला देते हुए प्राचार्यों को पत्र लिखा है। इनमें शंका समाधान के लिए ऑफलाइन कक्षाएँ लगाने का सुझाव भी दिया गया है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी संबंध कॉलेजों के प्राचार्यों को शुक्रवार को पत्र जारी किया गया है। इसका विषय शेष पाठ्यक्रम पूर्ण कराने को लेकर है। कुलसचिव प्रोफेसर गिरीशकांत पांडे के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 16 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। अतः जिन कक्षाओं का विषयों का अध्यापन कार्य हुआ है उन पाठ्यक्रमों में यदि विद्यार्थियों को कोई शंका है तो ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित कर शंका समाधान किया जाए तथा किन्हीं विद्यार्थियों का अध्यापन पूर्ण हुआ नहीं है तो शेष पाठ्यक्रम वार्षिक परीक्षा के पूर्व पूर्ण किया जाए। छात्र संगठनों ने उठाया है कोर्स का मुद्दा। पिछले दिनों छात्र संगठनों ने खासकर NSUI ने कोर्स अपूर्ण होने का मुद्दा उठाया था। NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग करते हुए कोर्स के उतने ही हिस्से का परीक्षा लेने की मांग रखी है जितने की पढ़ाई पूर्ण हुई है। साथ ही सिलेबस के अनुसार प्रश्न पत्र तैयार किए जाने की भी मांग उठाई।